हेलो स्टूडेंट्स, विल डिस्कस टुडे स्टिकियोमेट्री। इट इज अ लैटिन वर्ड, द मीनिंग ऑफ विच इज मेजरमेंट। तो ये सीधा सा एक टॉपिक है स्टिकियोमेट्री। जिसका अर्थ होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मोल्स, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। हम मेजरमेंट केमिस्ट्री में तीन हिस्से में कर सकते हैं। या तो हम किसी कंपाउंड की मेजरमेंट करेंगे मास में, या हम करेंगे वॉल्यूम में, या हम उसको मेजर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। उसको समझने के लिए मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। NaOH व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सोडियम सल्फेट एंड वाटर। इट मस्ट बी ए बैलेंस्ड, चेक दैट। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहां दो यूज करना पड़ेगा, स्टिकियोमेट्री कोफिशियंट और दो हाइड्रोजन हो गए, दो OH हो गए, तो दो वाटर हो जाएंगे। नाउ इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन मुझे क्या क्या बता रही है? नंबर वन, मैं जो समझ पाया कि दो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल H2SO4 से रिएक्ट करेगा। यह मास में मैं कहूं 2 moles ऑफ NaOH मीन्स 80 grams ऑफ NaOH विल रिएक्ट विद 98 grams ऑफ H2SO4। और जब ये रिएक्ट कर जाएंगे कंप्लीटली तो इसका एक मोल बनकर तैयार हो जाएगा और वाटर के 2 moles बनकर तैयार हो जाएंगे। इनका भी मास निकाला जा सकता है। अब क्या, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अगर मैं 80 grams सोडियम हाइड्रोक्साइड को 98 grams सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास 36 grams वाटर बनकर तैयार होगा। 18 × 36। लेकिन अगर मैं 8 grams सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो कितना वाटर बनकर तैयार होगा? ये क्वेश्चन बन गया एक। तो ये यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, 80 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू 36 grams ऑफ वाटर। नाउ 1 gram विल रिएक्ट टू गिव यू what amount of water and 8 grams of sodium hydroxide I'm taking this in excess। इसका मतलब ये तो बहुत है, excess में है। इसका अर्थ ये है कि ये 8 grams NaOH पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, ये पहले समाप्त हो जाएगा, ये तो excess में लिया हुआ है। इसे कहते हैं limiting reagent। What is limiting reagent? क्योंकि product कितना बनेगा ये किस पर डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट जो है वह केमिकल रिएजेंट जो पहले समाप्त हो जाए, विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में लिया है और NaOH को 8 grams ही लिया है तो पहले समाप्त कौन होगा? NaOH ही होगा। ये कई बार कंफ्यूजन होता है, आप समझिए बात को। कई बार बच्चे ये पढ़ते हैं बुक से कि वह केमिकल सब्सटेंस जो कम मात्रा में लिया गया हो उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। कम मात्रा का मतलब क्या है? जितना चाहिए था उससे कम। मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है।
क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है स्टिक्योमेट्री के लिए। आपका हर एक क्वेश्चन के प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। आप देखिए, अगर मैं 80 ग्राम NaOH को 98 ग्राम H2SO4 से रिएक्ट करवाता हूं तो वो दोनों पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर 8 ग्राम NaOH लेता हूं और यहां पर मैं 9.7 ग्राम H2SO4 लेता हूं तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाने की जरूरत है। ये 80 था तो ये 98 चाहिए था। अब ये 10th पार्ट लिया है 8, तो यहां पर 9.8 लेना चाहिए था, लेकिन 9.8 नहीं लिया, 9.7 लिया है। जितना लेना था उससे कम लिया है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब आपका वाटर कितना बनेगा वो ये डिसाइड नहीं करेगा, अब ये यूजलेस है, ये डिसाइड करेगा। आप यहां से जाएं कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम वाटर बनता है, और 9.7 ग्राम अगर रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम आपका वाटर बनकर तैयार हुआ। वैसे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने के लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको, मान लीजिएगा मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं और फिर बताता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचाने। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया बनता है। बैलेंस करने के लिए हम यहां पर ऐसा करते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसका 1 मोल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया के 2 मोल बनकर तैयार हो जाते हैं। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर मैं इसके 3 मोल ले लेता हूं और इसके 5 मोल ले लेता हूं और आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि कितना अमोनिया बनेगा ये पूछा गया है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट में से अगर एक समाप्त हो गया रिएक्शन तो वहीं रुक जाएगी, तो अमोनिया तो बनना बंद हो जाएगा। तो अमोनिया कितना बनेगा ये किसके ऊपर डिसाइड करता है? इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएजेंट है। और लिमिटिंग रिएजेंट सीधा अगर मैं बात करूं तो ये 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 3 मोल इसके 9 मोल से रिएक्ट करेंगे, 9 मोल से। लेकिन लिए कितने हैं हमने? 5 मोल। चाहिए थे 9 मोल, 9 मोल्स, जबकि लिए हैं 5 मोल्स। इसका मतलब हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे क्योंकि क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आने वाले हैं, आपको मैं एक बात बताऊं कि जितने मोल्स आपको लिए गए हैं, यूज किए गए हैं, डिवाइड बाय इट्स स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। 5/3। अब इनमें से जो कम आता है, आप ऐसा कर लिया करें, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट की शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट। जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहां मैंने 3 मोल लिए थे, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट 1 है, 3/1। हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट है, लिया था मैंने 5 मोल्स, 5/3। अब 3/1 और 5/3 ये कम है, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इट विल डिसाइड
विच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। यही बात गैस के वॉल्यूम पर भी लागू होगी। अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस टेकन डिवाइड बाय स्टीक्योमेट्रिक कोफिशियंट, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट भी आपसे पता लग जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने की। और वंस यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ तीन तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। मास मास रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको यहाँ भी मास दिया गया हो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का भी मास पूछा जाए, या फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं मास लेता तो नाइट्रोजन की 28 ग्राम नाइट्रोजन पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता तो अमोनिया के 2 मोल्स यानी 22.4 लीटर एट एसटीपी बनकर तैयार हो जाते। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और तीसरा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी पूछी जा सकती है। इसके न्यूमेरिकल्स करें और फिर भी कोई दिक्कत आती है, यू कैन डिस्कस इट विद मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।